अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ग्रैनीज़ रसोई। आज मैं आपको ट्रिपल लेयर हॉट चॉकलेट स्टरर बनाना बताऊंगी इंशाल्लाह। उसके लिए मैं यहाँ पर ये वाइट चॉकलेट ली हूँ। ये देखिए ऐसा 125 ग्राम का एक एक ऐसा ब्रिक आता, ऐसा आपको बड़ा पैक मिलेगा, कोई भी कंपनी का लीजिए। इसमें ऐसे 4 पीसेस रहते, तो उसमें से मैं ये 500 ग्राम्स का रहता ये पैकेट, तो इसमें से मैं एक पीस ऐसा ले ली और इसको मैं ऐसा पीसेस करके रख ली। ये वाइट चॉकलेट है कंपाउंड, और ये मिल्क चॉकलेट है, और ये है डार्क चॉकलेट। तो अब हम इसको या तो आप चाहे तो डबल बॉयलर यूज़ करिए, मैं या तो आप माइक्रोवेव यूज़ करिए। 30 सेकेंड के लिए पहली बार हम करेंगे, फिर उसके बाद फिर 30 सेकेंड करेंगे। इसको देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर, ये देखिए इसको अच्छे से हम इसमें जो थोड़ा बहुत भी रह गया इसको हम पूरा से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये जो चाय के कप्स आते हैं ना, ये डिस्पोजेबल, ऐसे मैं ले ली। आप कोई भी मतलब उसमें सेट कर सकते हैं। अब हम इसको नीचे एक लेयर डाल देंगे पहले। इसको हम टैप करेंगे थोड़ा, अब हम इसको एक 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे। ये देखिए मैं इसको फ्रीजर में रखी थी 5 मिनट के लिए, ये सेट हो गया। अब इसके ऊपर मैं ये डार्क चॉकलेट डालूंगी। इसकी एक लेयर, इसके बाद हम व्हाइट डालेंगे। हम इसको फिर एक बार अच्छे से टैप करेंगे। अब हम इसको फिर एक 5 मिनट फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए। ये देखिए ये भी सेट हो गए। अब हम इसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट की लेयर डालेंगे। हम इसको टैप करेंगे फिर से। आप इसको अट्रैक्टिव करने के लिए और ज्यादा थोड़े से ये चॉको चिप्स भी ऊपर से डाल सकते हैं। आप जो भी चाहे मतलब ड्राई फ्रूट्स है या आप कुछ और भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर ये स्टिक लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको फिर थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखेंगे। अब हम व्हाइट चॉकलेट का स्टारर बनाएंगे। इसमें मैं थोड़े से ये बादाम है इसको क्रश करके रखी काट के, और थोड़े से चॉको चिप्स भी है
इसमें मैं ऐसा डाल रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ इसमें। अब हम इसको फिल करेंगे। अब हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम ये मिल्क चॉकलेट और थोड़ा सा डार्क चॉकलेट लिए, मतलब तीन हिस्से मिल्क चॉकलेट है और एक हिस्सा डार्क चॉकलेट ली मैं। अब हम इसको न्यूटेला चॉकलेट बनाएंगे इसका। हाँ, ये मैं 1.5 चम्मच न्यूटेला ले रही हूँ, न्यूटेला डार्क चॉकलेट स्टरर, ये तकरीबन मैं 1.5 चम्मच लिए। ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहता, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको इसमें फिल कर देंगे। इस तरह से इसको हम ऐसा टैप करेंगे अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ये बादाम डालूंगी। ये मैं बारीक काट ली थी बादाम, अब ये बीच में हम ऐसे स्टिक्स लगा देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप ये फ्रीजर में रखिए 5 से 10 मिनट, अगर आपके पास टाइम है तो एक 15-20 मिनट आप इसको फ्रिज में रखिए। ये भी सेट हो गए, हम इसको भी निकालेंगे। ये देखिए कैसे अच्छे माशाल्लाह सेट हो गई है। अगर नहीं निकले तो आप इस तरह से करके ऐसा निकाल लीजिए, मतलब थोड़ा सा ग्लास को आप इस तरह से प्रेस करिए, ये निकल गया। ये देखिए ये भी अच्छे से सेट हो गए। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुए। हॉट चॉकलेट स्टिरर्स, ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता माशाल्लाह। चलिए ये हॉट चॉकलेट स्टिरर्स बनके तैयार है, आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये, और बहुत आसान भी है। और आपसे कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। ग्रैनीज रसोई अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, आप लोग वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट करिए। मेरे नए व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे। हज़ारों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।